गजब की बड़ी खबर हमें सिवनी से आ रही है। पहले ही बारिश के पोल खोल दी पोल छपारा नगर परिषद की एक जनपद पंचायत की। अधिक जानकारी हेतु सिवनी से जिला अभिरुचि राजेश सेवर जुड़ चुके हैं। जी राजेश जी बताएं। जी राघवेंद्र जी, जी मैं आपको बता दूं जी, ये जो तांडव मचा था आपका नगर परिषद का, की बड़े बड़े कर्णधार खड़े हुए थे, इनकी सिर्फ एक ही मंशा थी कि ये जो आप नजारा देख रहे हैं आज भीषण बारिश हुई है, तो ये आप नगर परिषद की बात दूर में जाओ, नगर परिषद अभी बनी है, ये जनपद पंचायत का नजर के सामने का नजारा है, जहाँ जिस जनपद पंचायत के अंतर्गत 54 ग्राम पंचायत आती है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ के निर्माण कार्य कितनी गुणवत्ता भीड़ बने होंगे, जब मुख्य जनपद पंचायत छपारा कि ये नजारा है पहली बारिश का, कि एक ही बारिश में वहां गड्ढे तब्दील कर दिए रोड में, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे वहां जनपद सदस्य रहे हों या जनपद अध्यक्ष रहे हों या जनपद उपाध्यक्ष रहे हों, ये उन्हीं के भ्रष्टाचार का तांडव का एक बानगी है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नगर पालिका में कुछ स्वच्छ सभी वाला दिग्गज और ईमानदार टाइप का व्यक्ति निर्वाचित होके आएगा। मैं ये नहीं कह सकता कि कांग्रेस का या बीजेपी का है, लेकिन जो तांडव जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और संबंधित सरपंच और संबंधित कॉन्ट्रैक्टर भ्रष्टाचार में लिप्त है, और हर मुख्य कार्यपालन अधिकारी को मतलब सिर्फ मोह है जनपद पंचायत जनपद छपारा का, वही शराब दुकान लक्ष्मी नारायण मंदिर किसी परिवार ने अपने माता पिता की स्मृति में बनाया है, थोड़ा सा आगे चलेंगे तो वहाँ मटन मार्केट है और शराब की दुकान है, हालांकि उक्त ठेकेदार द्वारा आश्वासन दे दिया गया है कि भाई मैं यहाँ से मटन मार्केट और ये शराब दुकान हटा लूंगा। वैसे यह है कि नगर में घास नंबर की भूमि और अतिक्रमण मुंह बाए खड़े हैं कुछ स्थानों में, जो निर्माणकार नहीं हुए और जो निर्माणकार हो गए तो वो भूमि को अधिग्रहण कर लिए हैं। अब वो शराब दुकान का ठेकेदार बकायदा कह रहा है कि भाई लक्ष्मी नारायण मंदिर है, और जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आदेश जारी कर दिया है कि भाई शराब दुकानों के ये मंदिरों के पास स्कूलों के पास महाविद्यालयों के पास ये शराब दुकानें नहीं होना, तो संबंधित ठेकेदार से इस संबंध में उन्होंने चर्चा की थी तो वो सहमत है, लेकिन उनके पास एक्सक्यूज ये है कि हम दुकान लगाएं कहाँ, तो ये छपारा वाले ना उसे जगह मिली नजर आ रहे हैं, और अब ठेकेदार अगर कहीं अतिक्रमण कर भी देता है तब राजनीति क्षेत्र से जुड़ा है और संपन्न होने जा रहे चुनाव में मुद्दा विपक्ष की कांग्रेस बना लेगी कि भाई संबंधित कॉन्ट्रेक्टर डीजीपी से बिलोंग करता है और इन्होंने आवेदन कब्जा कर लिया, तो ऐसी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आप देख सकते हैं कि जनपद जब छपारा ग्राम पंचायत लगभग हमारे जैसे की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है और उसको नगर पालिका बनने में कम से कम मैं बता दूं आपको 25 साल लग गया है, जहां पत्रकारों ने युवाओं ने और बड़े बड़े लोगों ने नगर परिषद बनाने के लिए जल संस्था ग्रहण भी किया है, तो उनके सपनों को पली तक कौन लगा रहे थे, जैसे गुलाब साहब जी, आपके संजू श्रीवास्तवी जी की काम नहीं, तो इस टाइप के लोग जो आतुर थे कांग्रेस के खासकर, क्योंकि भाजपा का वर्चस्व वहां मैंने देखा है कि आज राकेश पाल जी आए थे, इसके पहले हमारे ठाकुर हरवंश सिंह जी थे, तो ठाकुर हरवंश सिंह जी का ऑब्जर्वेशन जनपद पंचायत में नहीं था क्योंकि श्रीमती नीता हरिदास पटेरिया और पूर्व सांसद पूर्व विधायक है, उनका ऑब्जर्वेशन जनपद में था, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि श्रीमती नीता भटेरिया वो जो पूर्व सांसद रही हैं और पूर्व विधायक रही, उनके कार्यकाल में जैसे आप मंसूरी जी ले लीजिए मुख्य कार्यपालन
श्री राम बघेल ले लीजिए, ऐसे बहुत सी मुख्य कार्यपालन अधिकारी आए जो विवादों में छिड़ गए। और यही विवाद की जड़ है कि जनपद उपाध्यक्ष रहे हो या जनपद सदस्य रहे हो, जो भ्रष्टाचार का तांडव छपारा ग्राम पंचायत ये जनपद पंचायत में मचा रहा, मुझे लगता है मध्य प्रदेश के किसी जनपद में ऐसा भ्रष्टाचार का तांडव देखने में आज दिनांक तक नहीं मिला। और ये सड़कें जिस भी कॉन्ट्रेक्टर ने बनाया उस पर कार्यवाही की जाना चाहिए। और दूसरा कि अगर नगर परिषद इसी तरह काम करेगी तो जनता आखिर न भाजपा को चुन पाएगी न कांग्रेस को, तो ये आम आदमी पार्टी या संयुक्त मोर्चा पार्टी जो ये उनको गलतफहमी है कि भाजपा और कांग्रेस को अच्छा रुपये कमाने को मिलता है और ये योद्धा की टाइप खड़े हुए हैं। और जैसे कांग्रेस में मुखर के आई है भीतर घाती, कुछ लोग कांग्रेस समर्थित भी हैं और भाजपा समर्थित भी हैं और निर्दलीय खड़े हैं, उनकी सिर्फ एक ही मंशा है कि ये जो भ्रष्टाचार का तांडव पूर्व से मचा आया है छपारा में तो वो पुनः निर्मित रहे। तो कम से कम जिला प्रशासन को चाहिए या संबंधित विधायक विजय पाल जी या राकेश पाल जी को चाहिए या क्षेत्रीय विधायक समूचे जिले की रख रखाव करता है, राकेश पाल जी रख रखाव करते हैं, आपके फगन दादा जो केंद्रीय मंत्री हैं, इनको चाहिए कि अधिकारियों से पूछे कि भाई इस तरह की रोड एक बरसात में ध्वस्त हो गई तो आपकी जनपद पंचायत से हम क्या उम्मीद रखे हैं, हमारे प्रत्याशी के लिए हम चुनाव में यहाँ पर प्रचार करने आएंगे तो जनता हमसे या जिला ब्यूरो राजस्व माइक हमारे मुंह में आड़ा देगा कि आप देखिए किस मुंह से भाजपा प्रत्याशी की या कांग्रेस प्रत्याशी का प्रचार करने आए हैं। ये बहुत शोध का विषय है जिला प्रशासन को और पार्थ जायसवाल जो जिला पंचायत में है और कुंभकर्णी में होती है, तो क्यों ना पार्थ जायसवाल से भी सवाल किए जाए और मुख्य कार्यपालन अधिकारी छपारा से भी किए जाए और उन जनप्रतिनिधियों से पूछा जाए कि तुम खड़े किस मंशा से हो और ये जो तांडव मचा जनपद ये नगर परिषद के लिए चयन के लिए, तो ये गुलाब राहुल मंशा क्या किया था। जी राघवेंद्र जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सर।